नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर है और सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। तीसरा टेस्ट मैच हारने के बाद कप्तान कोहली पर तीखे सवालों की बौछार हो रही। कप्तान कोहली से लगातार ये पूछा जा रहा है कि भाई भारतीय टीम हार रही है, क्या टीम कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, और उनसे उनकी बल्लेबाजी को लेकर भी सवाल पूछा गया। ऐसे में एक पत्रकार के सवाल पर विराट कोहली इतने भड़कते नजर आए कि फिर उन्होंने चुपचाप उनकी बोलती बंद कर दी। दरअसल विराट कोहली अपने गुस्से को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीते हुए नजर आए। अमूमन विराट कोहली को हम इतने अलग अंदाज में नहीं देखते हैं, लेकिन उन्होंने गलती को एक्सेप्ट किया, उन्होंने टीम की जो डिफीट है उसको अपने ऊपर लिया। उन्होंने कहा कि हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की जिसकी वजह से हमें हारना पड़ा, लेकिन अभी दो टेस्ट मैचेस हैं और हमारी टीम बाउंस बैक करेगी, इसकी हमें आशा है। विराट कोहली से ये भी पूछा गया कि क्या आप किस तरीके से यहाँ पर आगे अप्रोच करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम बाउंस बैक करना जानती है, हमें ये देखना होगा कि हमने किन एरियाज में गलती की है, हम कहाँ पर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, ये तमाम चीज़ें। इस पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि विराट क्या आप बैकफुट पर जाकर थोड़ा सा बल्लेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि आप फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, बाहर जाती हुई गेंद को खेल रहे हैं, पांचवें छठे स्टंप की गेंद को खेल रहे हैं और आप सेम तरीके से आउट हो रहे हैं। तो विराट कोहली ने ये कहा कि देखिए, हर गेंद को आप बैकफुट पर कैसे खेल सकते हैं। बात तो सही थी विराट कोहली की, क्योंकि आप इतने महान बल्लेबाज से इस तरीके के सवाल करेंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा ही। लेकिन देखिए, विराट कोहली की एक बात और है कि उन्हें भी अपनी ईगो को जेब में रखना होगा। अब चाहे आप फिर तुलना करें, फिर सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ियों से आपकी तुलना होती है। 2003 की अगर बात की जाए तो 2003 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब भारतीय टीम गई थी तो सचिन के भी पांव नहीं चल रहे थे, और उसके बाद उन्होंने चौथे टेस्ट मैच में सिडनी में शानदार 241 रनों की नाबाद पारी खेली। उस दौरान उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाया था, और कुछ उसी अंदाज में विराट कोहली आउट हो रहे हैं। तो विराट कोहली को ओवरकम करने के लिए इन चीज़ों से थोड़ा सा बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में उनका शानदार फॉर्म दिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं एंडरसन ओली रॉबिन्सन ने उन्हें परेशान किया है इस सीरीज में, और वो इन सभी चीज़ों से पार पाएंगे ऐसी फैंस भी कामना कर रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हुए इतने महान खिलाड़ियों को आप बैकफुट और फ्रंट फुट नहीं बता सकते, वो जानते हैं कि उनकी कमियां क्या हैं, उनकी मजबूती क्या है, और शायद विराट कोहली से उम्मीद यही की जा रही है कि अगले टेस्ट में उनका बल्ला गरजे, क्योंकि अगर विराट का चल गया बल्ला तो भारत की जीत को कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।